बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक प्रसारण होगा, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक प्रसारण होगा तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में व्यवसाय अध्ययन विषय में व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, और कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय में कंपोजिशन लेटर और ऑफिशियल लेटर भाग 1। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन को इंग्लिश के अंदर बिजनेस स्टडी बोलते हैं। एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख पाएंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बिजनेस के बारे में बताता है, बिजनेस को बढ़ाने के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का, जिसका नाम है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने इसको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इस चैप्टर की 6 वीडियोज़ हैं, आप एक एक करके सुनिएगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक, जो कि है व्यवसाय की अवधारणा एवं उसकी विशेषताएँ। समाज है, समाज में लोग हैं, लोगों की आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो मानव है कुछ क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली क्रिया है आर्थिक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन कमाना होता है, ऐसी क्रिया जिसके बाद मनुष्य अपना जीवन यापन करता है, वह सारी की सारी क्रियाएँ आर्थिक क्रिया में सम्मिलित होती हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आपके पिताजी का किसी कंपनी के लिए काम करना, वह उनकी आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उसको करने के बाद उनको वहाँ से पैसा मिलता है और उनसे उनकी जीविका चलती है। तो ये एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। अब हम दूसरा टॉपिक करते हैं अनार्थिक क्रिया। तो अनार्थिक क्रिया भी एक टाइप की क्रिया है, जो कि प्रेमवश, सहानुभूतिवश या देशभक्ति के लिए की जाती हैं। वह सारी क्रियाएँ अनार्थिक क्रिया हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति को मनुष्य के द्वारा रास्ता पार करवाना, वह उसकी अनार्थिक क्रिया है। मतलब मान के चलिए, वृद्ध व्यक्ति को हमने रास्ता पार क्यों करवाया? क्योंकि हम सहानुभूति के लिए उसको रास्ता पार करवा रहे थे। तो इस तरीके से उस व्यक्ति के लिए वह उसकी अनार्थिक क्रिया है, ठीक है। अब मैं आपको बार बार एक वर्ड बोल रही हूँ, आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया एक ऐसी क्रिया जिससे मनुष्य को क्या हो रहा है, लाभार्जन हो रहा है, उसकी जीविका हो रही है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उनमें से पहली क्रिया है व्यवसाय। तो व्यवसाय भी एक ऐसी क्रिया है जिसको आप निरंतर आधार पर, मतलब लगातार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, और जो उत्पादित माल है उसको आप विक्रय मतलब सेल करके लाभार्जन कर रहे हैं। लाभार्जन मतलब लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी सारी क्रियाएं जिसके अंदर मनुष्य उत्पादित माल को विक्रय कर लोगों की आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, और आवश्यकता पूरी करने के बाद उसे क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी क्रियाएँ किसके अंदर सम्मिलित हैं, व्यवसाय के अंदर सम्मिलित हैं। पहले क्या था, समाज में लोगों की आवश्यकताएं कम थी, उनकी ज़रूरतें कम थी, और ऐसी स्थिति में वह सिर्फ विनिमय कर पाते थे। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। ए बी, ए का गेहूं का उत्पादन, बी चावल का उत्पादन करता है। एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर ए को चावल की ज़रूरत है और बी को गेहूं की। ऐसी स्थिति में ये एक दूसरे से विनिमय करके अपना
आवश्यकताएं पूरी करा करते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, समाज बढ़ा, लोगों का दायरा बढ़ा, उनकी आवश्यकताएं बढ़ी। अब उनको एक ऐसे माध्यम की जरूरत पड़ने लगी जिसके द्वारा वह अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। ठीक है, तो इस जो चीज को हम बोलेंगे मुद्रा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं करेंसी। तो करेंसी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी सामान को विक्रय करते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान के चलिए ए व्यक्ति है, ये चावल बेचता है, और बी व्यक्ति है, इसका किसी भी चीज़ का उत्पादन या कुछ भी व्यवसाय नहीं है, बट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, चावल है। ऐसी स्थिति में इसके पास पैसे का होना ज़रूरी है, और ऐसी स्थिति में ये अपनी आवश्यकताएं मुद्रा का विनिमय करके कर पाएगा। जैसे मुद्रा ये ए को दे देगा और ए इसको चावल दे देगा, और इस पूरी क्रियाओं को हम बोलते हैं व्यापार। समझ में आया आपको? अब हम पढ़ते हैं व्यापार की विशेषताएं, व्यवसाय की विशेषताएं। व्यवसाय की विशेषताओं को मैंने 7 पार्ट में डिवाइड किया है, वन बाय वन हम इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक क्रिया, एक ऐसी क्रिया जिसके अंदर मनुष्य धन कमाता है, जिसके अंदर मनुष्य अपना जीवन यापन करता है। मतलब एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य धन कमा के अपनी आजीविका निभाता है, अपनी आजीविका को पूर्ण करता है। दूसरा पॉइंट है उत्पादन एवं वितरण, व्यवसाय के अंदर जो व्यवसायी है वो उत्पादन करता है, माल का उत्पादन करता है या सेवाओं की पूर्ति करता है। अब ये जो उत्पादित माल है उसको उत्पादन जगह से, उत्पादन स्थल से उपभोक्ताओं तक पहुँचाना, यह भी व्यवसाय में सम्मिलित होता है। तीसरा पॉइंट है वस्तुओं का और सेवाओं का लेन देन। इसके अंदर मैंने बोला, जैसे मान के चलिए मैंने OLX पर मेरे घर का TV बेचा, मुझे उससे प्राप्त 5,000 रुपये प्राप्त हुए, तो वह मेरी आर्थिक क्रिया तो है बट वह मेरा व्यवसाय नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मैं नियमित रूप से क्रियाओं किसी भी चीज़ को बेच नहीं रही हूँ, तो वह एक टाइप का मेरा व्यवसाय नहीं है, वह एक वन टाइम एक्टिविटी है। तो व्यवसाय एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर नियमित रूप से किसी भी वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं लाभ कमाने का उद्देश्य। इसके अंदर व्यवसायी का उद्देश्य यही होता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करे, और इसके लिए वह क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की बिक्री करता है, विक्रय करता है, जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। सिक्स पॉइंट देखिए अनिश्चितता, और सेवन पॉइंट है जोखिम का तत्व। तो देखिए हर एक व्यवसाय के अंदर कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि बिजनेस के अंदर अनिश्चितता बनाए रहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कुछ ऐसे कारण जैसे कि भूचाल आ जाना, जैसे तूफान आ जाना, ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि एक बिजनेस में जोखिम का की उत्पादन करते हैं या जोखिम को उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे तत्व जो कि किसी भी व्यवसाय को हानि होने की संभावना देते हैं, और इससे क्या होता है, व्यवसाय में अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे लाभ और हानि की अनिश्चितता बनी रहती है, मतलब संभावना बनी रहती है। अब सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करवा देती हूँ कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा मनुष्य लाभ प्राप्त करता है, या ऐसी क्रियाएं जिससे मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करता है, अपनी ज़िंदगी को जीता है, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको करने के बाद मनुष्य को पैसा प्राप्त होता है जो कि उसकी आजीविका के लिए ज़रूरी होती है। अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे, इनको विभाजन करेंगे। आर्थिक क्रियाओं का विभाजन 3 प्रकार में किया गया है। पहला है व्यवसाय, दूसरा पेशा, और तीसरा है रोजगार। व्यवसाय को हम इंग्लिश के अंदर बिजनेस भी कहते हैं। एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी क्रिया जिसके अंदर मनुष्य नियमित रूप से किसी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करता है या सेवाओं की पूर्ति करता है, और इसकी पूर्ति करके वह धन कमाता है, ऐसी सारी क्रियाओं को हम व्यवसाय कहते हैं। मतलब ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना है, और इसके अंतर्गत मनुष्य वस्तुओं का उत्पादन करता है, सेवाओं की पूर्ति कर
लाभार्जन करता है। दूसरा देखिए पेशा, इसको इंग्लिश के अंदर प्रोफेशन कहते हैं। इसके अंदर जो व्यक्ति विशेष है वह अपनी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर अपनी सेवाएं समाज को देता है। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो कि आर्थिक होते हुए इसके अंदर मनुष्य अपना जो विशिष्ट ज्ञान है, जो उसकी स्पेसिफिक नॉलेज है, उसको समाज को देता है, अपनी सेवाएं समाज को देता है और बदले में उसे फीस प्राप्त होती है। जैसे आपने देखे होंगे डॉक्टर, सीए, ये ऐसे लोग हैं जो कि पेशेवर व्यक्ति होते हैं और यह पेशेवर व्यक्ति समाज को अपनी सेवाओं के बदले सेवाएं देते हैं और सेवाओं के बदले फीस प्राप्त करते हैं। अब हम पढ़ते हैं रोजगार, ये भी एक आर्थिक क्रिया है। इसके अंदर मनुष्य दूसरे व्यक्तियों के लिए कार्य करता है और कार्य के बदले उसे या तो वेतन मिलता है या मजदूरी मिलती है। वे सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं रोजगार में आती हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करना, जैसे मेरा किसी दूसरी कंपनी के लिए कार्य करना और बदले में मुझे वेतन मिलना, तो वह क्या हो गया? रोजगार हो गया। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, जो व्यवसाय, पेशा और रोजगार, इन तीनों चीज़ों को हम एक टेबल के रूप में स्टडी करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर इन तीनों को अलग अलग विभाजित किया गया। सबसे पहले देखिए जो व्यवसाय है उसको प्रारंभ करने के लिए जो निर्णय है वो व्यवसायी खुद लेता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है या नहीं करना। दूसरा पॉइंट देखिए पेशा, पेशा के अंदर जो पेशेवर व्यक्ति है पहले अपनी जो स्टडीज़ है वो कंप्लीट करता है, उसके बाद जो संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेता है, सर्टिफिकेट लेता है और फिर अपना प्रोफेशन स्टार्ट करता है। रोजगार के अंदर क्या है, मान के चलिए कहीं पर वैकेंसी आई, वहाँ पर आपने इंटरव्यू दिया और वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया या नियुक्ति पत्र मिल गया, तो आप वहाँ जाके उनके लिए कार्य कर पाएंगे। तो इस तरीके से रोजगार प्रारंभ होता है। दूसरा पॉइंट देखिए कार्य की प्रकृति, तो व्यवसाय के अंदर सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं का लेन देन होता है। पेशे के अंदर जो पेशेवर व्यक्ति है अपनी जो विशिष्ट सेवाएं हैं वो समाज को देता है, और रोजगार के अंदर वही कार्य किया जाता है जो उसका मालिक उसे सौंप दे। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसका काम टाइपिंग का करने का है, तो वह क्या जो उसका मालिक है उसे टाइपिंग का काम देगा? वह सिर्फ उसका काम यही होगा कि वो टाइपिंग करे वहाँ जाके, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए योग्यता, व्यवसायी को कोई भी औपचारिक योग्यता की जरूरत नहीं होती, मतलब कोई पर्टिकुलर नॉलेज की या पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की उसको जरूरत नहीं है, जबकि पेशेवर व्यक्ति को औपचारिक योग्यता जरूरी होती है। इसके अंदर एक एग्जांपल से समझिए, जैसे एक MBBS व्यक्ति ही डॉक्टर का काम कर सकता है। फिर रोजगार के अंदर देखिए, तो रोजगार जब आप लेने जाते हैं तो जो मालिक आपको कार्य सौंपता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो योग्यता है वो निर्धारित की जाती है। जैसे एक टाइपिस्ट के लिए जो योग्यता होगी वह 12वीं पास होगी और उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए लाभ, व्यवसाय के अंदर मनुष्य को लाभ प्राप्त होता है, जबकि पेशेवर व्यक्ति को फीस प्राप्त होती है, अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के बाद उसे फीस प्राप्त होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स को हम फीस देते हैं, है ना, उसके बाद आप वकील हैं वो भी अपनी फीस लेते हैं, अपनी पेशेवर जो सेवाएं हैं वो समाज को देते हैं और उसके बदले फीस प्राप्त करते हैं। जबकि रोजगार के अंदर मनुष्य को या व्यक्ति को मजदूरी मिलती है या वेतन मिलता है। अब मजदूरी भी लिखा है मैंने, वेतन भी लिखा है, तो ये थोड़ा सा ही अंतर है। वेतन होता है जो कि 30 दिनों के लिए रेगुलर एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, जबकि मजदूरी दिहाड़ी जो मजदूर होते हैं उनको मजदूरी मिलती है। जैसे सुबह उन्होंने काम किया, सुबह से शाम तक काम किया, शाम को उनको पूरा पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए पूंजी निवेश, इसके अंदर व्यवसाय के अकॉर्डिंग ही पूंजी निवेश की जाती है, मतलब वह कैपिटल जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है उसे हम पूंजी बोलते हैं। तो जितना बड़ा व्यवसाय होगा उतनी ज़्यादा पूंजी लगेगी, उतनी ही पूंजी का निवेश होगा, जबकि पेशेवर व्यक्ति के लिए कोई पूंजी की जरूरत नहीं होती। बस और बस ये होता है कि अगर वो कहीं पर अपना कार्यालय या अपना ऑफिस की स्थापना कर रहा है तो उसे कुछ पैसे की, कुछ सीमित पूंजी की आवश्यक पड़ेगी।
रोजगार के अंदर कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। जोखिम मतलब रिस्क फैक्टर, व्यवसाय के अंदर जोखिम अधिक होता है, पेशेवर व्यक्ति को जोखिम बिल्कुल कम होता है और रोजगार के अंदर बिल्कुल नहीं होता है। मतलब रोजगार व्यक्ति तो किसी दूसरे के लिए कार्य कर रहा है ना, तो इसके अंदर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना रिस्क है बिजनेस पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आचार संहिता, इसको इंग्लिश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, मतलब कार्य करने का तरीका। तो व्यवसाय के अंदर कोई कार्य करने का तरीका नहीं होता, जबकि पेशेवर व्यक्ति के लिए आचार संहिता का पालन होना जरूरी होता है और रोजगार व्यक्ति के लिए वही नियम लागू करे जाते हैं जो कि उसका मालिक उसे बताए, मतलब वह उन्हीं नियमों का पालन करता है जो कि उसके मालिक उसे बताते हैं। व्यवसाय के उद्देश्य, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्या ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस क्यों स्टार्ट किया जाता है, क्या कारण है जिससे कोई व्यवसायी किसी बिजनेस की स्थापना करता है और उसको चलाता है। तो सिंपल आप समझिए, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी व्यवसाय की, उसमें हमने बताया था कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसके अंदर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसका क्रय विक्रय कर लाभ कमाते हैं। तो बेसिकली पहला जो पॉइंट है किसी भी व्यवसाय के उद्देश्य में, वह ये है कि आर्थिकता, मतलब आर्थिक उद्देश्य। पहला पॉइंट समझ में आया, आर्थिक उद्देश्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यवसाय के उद्देश्य का मतलब क्या होता है। तो व्यवसाय के उद्देश्य से अभिप्राय उस प्रयोजन, वह कारण है जिसकी वजह से व्यवसाय की स्थापना कर उसे चलाया जाता है। वे रीज़न जिसकी वजह से किसी भी व्यवसाय की स्थापना की जाती है और उसे लंबे समय तक चलाया जाता है, वही व्यवसाय के उद्देश्य हैं। इन व्यवसाय के उद्देश्य को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्य और दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में देखिए, फर्स्ट पॉइंट लाभ कमाना। बेसिकली क्या होता है, जो व्यवसायी है वह किसी सामान को जब बेचता है ना, तो वह प्रॉफिट में बेचता है। मतलब समझिए, इससे एक प्रोडक्ट है जिसकी सीपी 10 रुपये हैं, उसको हमने बेचा 20 रुपये में, इस तरीके से व्यवसाय को 10 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। ये जो लाभ है वह किसी भी बिजनेस के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इस तरीके से इस व्यवसायी ने 10 रुपये का लाभ कमाया, जो कि एक आर्थिक उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट देखेंगे ग्राहकों का सृजन, मतलब ग्राहकों को बनाना, ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी करना। अब आपको पता है ग्राहकों की संख्या इस तरीके से नहीं बढ़ती कि हम कोई भी प्रोडक्ट दें और वो संख्या में बढ़ोतरी होगी। देखिए, ग्राहकों का बढ़ना जब होता है जब एक व्यवसायी उचित वस्तुओं को या सेवाओं को प्रदान कर ग्राहकों को संतुष्टि देता है, मतलब ग्राहकों को सेटिस्फाई करता है। जब कोई कस्टमर या ग्राहक किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होते हैं तो वह उस व्यवसाय से या व्यवसायी से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, जिससे व्यवसाय के जो ग्राहकों में इजाफा होगा। समझ में आया, इस तरीके से ग्राहकों में इजाफा हो सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए नव प्रवर्तन, मतलब इनोवेशन। बेसिकली क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अब इन प्रोडक्ट में से हमें अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है, उनको उन प्रोडक्ट से अलग दिखाना है। इसलिए व्यवसायी से ये हमेशा उम्मीद की जाती है कि वह अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाए, जिससे वह प्रतियोगितापूर्ण समय में अपने व्यवसाय को सफलता प्रदान कर सके। क्योंकि सारे सेम प्रोडक्ट हैं तो ग्राहक तो कोई सा भी प्रोडक्ट ले सकता है ना। अब हमें क्या करना है, ग्राहकों का सर्जन करना है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, ऐसे उत्पाद बनाने पड़ेंगे जो कि बेहतर हो और अपने आप को अलग दिखा सकें। इस जो प्रतियोगितापूर्ण समय के अंदर वो प्रोडक्ट अपने आप को अलग दिखा सकें, जिससे ग्राहक उनसे संतुष्ट हो पाए, मतलब ग्राहकों की संख्या में इजाफा हो। समझ में आया ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए साधनों का अनुकूलतम उपयोग। अनुकूलतम को बोलते हैं ऑप्टिमम और साधनों को बोलते हैं रिसोर्सेस। बेसिकली क्या होता है कि जो भी उत्पाद हैं, जो कि व्यवसाय क्या कर रहा है, क्रय विक्रय कर रहा है,
उन उत्पादकों को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ रिसोर्सेस चाहिए, कुछ साधन चाहिए। तो जितने भी व्यवसाय हैं या व्यवसायी से ये अपेक्षा की जाती है कि वह इन साधनों जिनसे वो क्या बना रहा है, कुछ चीज़ें बना रहा है, कुछ उत्पाद बना रहा है, उनको अनुकूलतम उपयोग करें, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, जैसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। मतलब साधन ऑलरेडी हैं पर साधनों को इस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसायी को लाभ मिले। तो ये तो थे हमारे सारे आर्थिक उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सामाजिक उद्देश्य। देखिए, सामाजिक उद्देश्य में वह प्रयोजन आते हैं, वह कारण आते हैं जो कि एक व्यवसायी समाज के लिए करता है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए 4-5 पॉइंट हैं, इजी हैं, आपको पढ़ते ही समझ में आएंगे। पहला पॉइंट देखिए, उचित दामों पर अच्छी किस्म की वस्तुओं को उपलब्ध कराना। जो एक व्यवसायी है ना, उससे हमेशा अपेक्षा की जाती है कि वह क्या दे, अच्छे प्रोडक्ट दे और सही रेट पर, मतलब मिनिमम रेट पर बेस्ट प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को अवेलेबल करवाए। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? जिससे क्या होगा, समाज की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, समाज का जो लोगों का जरिया है, मतलब लोगों का रहन सहन है, वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ोतरी होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, उचित व्यापारिक कार्य विधि को अपनाना। बेसिकली क्या होते हैं, कुछ ऐसे व्यवसायी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, काला बाजारी करते हैं, नकली माल बेचते हैं लाभ कमाने के लिए। इन कार्यविधियों को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्यविधि है ना, इससे समाज परेशान होता है, समाज को इससे परेशानियां होती हैं। और इसलिए किसी भी व्यवसायी से यह अपेक्षा होती है कि वह इन व्यापारिक कार्यविधि को ना अपनाए। ठीक है, तीसरा है रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। रोजगार मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली कोई भी व्यवसायी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से कार्य करे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। फोर्थ पॉइंट है कर्मचारी कल्याण। कर्मचारी कल्याण मतलब बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो व्यवसायी है, जो व्यवसाय चला रहा है, उनसे अपेक्षा यह की जाती है कि वह अपने जो कर्मचारी हैं उनका कल्याण करे, उनको उचित मजदूरी दे, उनको उचित वेतन दे, क्योंकि इससे क्या होगा, समाज बढ़ेगा, समाज का विकास होगा। समझ में आ रहा है ना, कुछ पॉइंट्स नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समाज के विकास में योगदान। समाज के विकास में योगदान, बेसिकली आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी देखी होंगी जो कि समाज के विकास में योगदान देती हैं। जैसे आप बिरला कंपनी देखेंगे ना, बिरला कंपनी क्या करती है, कुछ स्कूल बनाती हैं, कुछ कॉलेज बनाती हैं, इवन पार्क मंदिर वगैरह बनाती है, जिससे समाज को विकास होता है, जिससे समाज बढ़ता है। समझ में आया? तो इससे क्या होगा, समाज का विकास भी होगा और जो कंपनी है, जो व्यवसाय है, उसका भी नाम होता है। तो ये तो थे हमारे सारे सामाजिक उद्देश्य। अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि व्यवसाय के प्रयोजन, व्यवसाय के उद्देश्य क्या हैं, क्या मतलब होता है, और इसके दो प्रकार होते हैं, एक सामाजिक उद्देश्य और एक आर्थिक उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे व्यवसाय में लाभ की भूमिका, बेसिकली क्या इम्पोर्टेंस है प्रॉफिट की बिजनेस के अंदर। ठीक है, चलो बच्चों आ जाइए। पहला पॉइंट है लंबे समय तक जीवित रहने के लिए। अब ये किसको जीवित रहने के लिए, बिजनेस को जीवित रहने के लिए। बेसिकली एक बिजनेस लंबे समय तक जब ही रन कर पाता है जब तक उसे मुनाफा प्राप्त हो, जब तक उसे लाभ प्राप्त हो। थोड़े समय के लिए लाभ प्राप्त ना हो वो चलता है, बट अगर लंबे समय तक कोई बिजनेस को लाभ प्राप्त नहीं होगा तो वह बिजनेस जीवित नहीं रह पाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए। देखिए, मैंने आपको बोला एक बिजनेस है, वो चल रहा है, थोड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो चलता रहेगा, बट कोई भी बिजनेस के विस्तार के लिए, उसके विकास के लिए हमें अतिरिक्त पूंजी चाहिए होती है, और ये अतिरिक्त पूंजी लाभ से प्राप्त होती है। लाभ वह अमाउंट है जो कि आय से ज़्यादा होता है, मतलब आय के बाद जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं लाभ। बेसिकली जैसे मान के चलिए हमने बेचा कोई, हमने खरीदी कोई चीज़ 100 रुपए की और उसको हमने 200 रुपए में बेच दिया, तो हमें जो मिला वो 100 रुपए, ये 100 रुपए क्या है, लाभ है। अब क्या होता है, कुछ पैसा तो बिजनेस को चलाने में चल जाता है, बट हमें जब बिजनेस को विस्तार करना है, उसका विकास करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ पैसे को यूटिलाइज करेंगे और उसे वापस विनियोग कर देंगे, पुनः विनियोग कर देंगे बिजनेस के अंदर, जिससे बिजनेस का विस्तार होगा और विकास होगा। ठीक है,
समझ में आया ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुशलता वृद्धि के लिए। कुशलता वृद्धि बेसिकली क्या है कि जो कर्मचारी किसी व्यवसाय में काम करते हैं उनको बेहतर वेतन दे, और ये बेहतर वेतन जब दिया जा सकता है जब अच्छे लाभ मिले। किसी बिजनेस मैन से हमेशा अपेक्षा की जाती है कि अगर उसे वो लाभ प्राप्त हो रहा है, अगर उसे बिजनेस में लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वह अपने जो कर्मचारी हैं उनको भी वह बेहतर मजदूरी दे, बेहतर वेतन दे, जिससे उनको ज़्यादा काम करने की इच्छा हो या प्रेरणा हो। बेसिकली हमें पता है कि जो पैसा है ना, वो एक ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर है जो कि किसी को भी काम करने की इच्छा देता है, उसे प्रेरणा देता है। जैसे बहुत बार होता है ना, मम्मी कहती है बेटा फर्स्ट आएगा तो तेरे को ये साइकिल दूंगी, इससे क्या होता है, या बाइक दूंगी, इससे हमें ये मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि भाई मुझे अगर बाइक चाहिए तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कुशलता में वृद्धि होती है, मतलब बेहतर तरीके से हम कार्य कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए। अब ये प्रतिष्ठा और पहचान है, ये हम सोसाइटी में बनाना चाह रहे हैं। तो जो व्यवसायी है वह क्या करता है, अपने जितने भी पक्षकार होते हैं, कौन कौन से पक्षकार हैं उसके, देखिए ग्राहक, कस्टमर उसके, कर्मचारी, अंशधारी, शेयर्स होल्डर, ये सारे पक्षकार होते हैं किसी भी बिजनेसमैन के। और ये जो पक्षकार हैं इनसे वो क्या करता है, इनको संतुष्ट करना चाहता है। जो व्यवसायी है वो इन पक्षकारों को संतुष्ट करना चाहता है, जैसे अगर ये संतुष्ट होंगे तो वह जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा व पहचान बनाएंगे सोसाइटी में। और एक व्यवसायी कब इनको संतुष्ट कर पाएगा, जब उसे अच्छा लाभ मिलेगा, जब उसे प्राप्त लाभ होगा, ठीक है। बेसिकली अगर बिजनेस में अगर हमें प्रॉफिट मिलता है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो हम उस पैसे को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पक्षकार को, जैसे कि ग्राहक है, जैसे कर्मचारी वर्ग है, अंशधारी है, और इनसे क्या होगा, जो समाज में व्यवसाय की पहचान बनेगी। समझ में आया। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा व्यवसाय के उद्देश्य, इनको दो भाग में पढ़ाया मैंने, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। उसके बाद मैंने आपको बताया व्यवसाय में लाभ की भूमिका। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आज का अगला पाठ कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय में कंपोजिशन लेटर। बच्चों हम पढ़ रहे हैं राइटिंग पोर्शन, और इसी राइटिंग पोर्शन का हम आज पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। इससे पहले के वीडियोस में हम रिपोर्ट राइटिंग्स कवर कर चुके हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट राइटिंग एंड लेटर्स मार्किंग स्कीम के हिसाब से एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। तो आप इसे जल्द से जल्द मेरे साथ रिवाइज करें, टाइम बहुत कम है और मैटर अपने पास में रेडी है, तो आप भी रेडी हो जाइए। और लेटर राइटिंग क्या होती है, कितनी तरह की होती है, इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो वी हैव फोर टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स। ज़्यादातर हमारे पास में कितने टाइप्स की लेटर राइटिंग है बच्चों, फोर टाइप्स। सबसे पहला है इसमें बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का मतलब है कि हम अपने व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो वह बिजनेस लेटर की श्रेणी में आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बुक्स ऑर्डर प्लेस करना है, फॉर एग्जांपल आपको स्पोर्ट्स मटेरियल चाहिए, या फिर आपने फ्रिज खरीदे हैं और फ्रिज में आपके कोई ना कोई डिफेक्ट आ गई है, तो वो भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में है बिजनेस लेटर। सेकेंड वन इज ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर क्या होते हैं बच्चों, ऑफिशियल लेटर्स में हम जो ऑफिस वगैरह के लिए जो लेटर लिखते हैं, मे बी इट इज़ गवर्नमेंट ऑफिसेज, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज, तो वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। प्लस हम इसमें कई बार अपनी कोई कंप्लेंट्स वगैरह भी देना चाहें तो उसे भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। एक है लेटर्स टू द एडिटर्स। जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इनके जो एडिटर्स होते हैं, इनको भी लेटर्स इशू किए जाते हैं, लोगों के द्वारा पत्र लिखे जाते हैं। और वो पत्र क्या है, कैसे लिखना है, क्या कोई कंप्लेंट्स के बारे में मेंशन करवाना है न्यूज़पेपर के थ्रू, या फिर कोई और चीज़ हम
पूरे समाज में एक जागरूकता फैले ऐसी पुटअप करना चाहते हैं तो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। एक और आता है एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर दैट वन, वो भी एक तरह से लेटर के श्रेणी में ही इंक्लूड होता है। और हम जब इनको पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम अपने आप में जब स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरह के लेटर्स की हम बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम इन द लास्ट इस पोजीशन में परफेक्ट हो जाएंगे कि हम अपना बेस्ट फॉर द बेस्ट दे सकते हैं। तो इसी में आज हम जो सबसे पहले बिजनेस लेटर है उसका एक फॉर्मेट आपको समझा रहे हैं। उस फॉर्मेट में हम क्या देखेंगे कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है, पहले क्या चीज़ आती है, बाद में क्या चीज़ आती है और उसको एंड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, बिजनेस लेटर का एक फॉर्मेट है। क्या है ये बच्चों? इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले सेंडर, सेंडर मीन्स जो पत्र लिख रहे हैं, सेंडर मीन्स जो पत्र लिख रहे हैं उनका नाम नहीं आएगा, एड्रेस आएगा। और अगर वो अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना चाहें तो वो भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। देन आफ्टर स्पेस, अगर आप स्पेस देते हैं, मैं बार बार आपको एक ही चीज़ कहती हूँ, स्पेस देते हैं तो आपके जो वर्क है उसकी इम्पोर्टेंस शो होती है कि यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली आपका मेंशन हो गया है। आप भले यहाँ स्पेस दे दें, भले इस डेट के बाद में स्पेस दे दें, बट आपको स्पेस ज़रूर देना है। सेंडर्स एड्रेस के बाद में सेकंड पॉइंट है डेट का। डेट आपको ज़रूर लिखनी है, किस दिन वह पत्र लिखा गया, तो यह चीज़ अपने को ज़रूर मेंशन करनी है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं बिजनेस लेटर की, हम बिजनेस लेटर कर रहे हैं, बिजनेस लेटर का क्या होता है कि यहाँ पे हम लेटर नंबर या फिर रेफरेंस नंबर को शो ज़रूर करते हैं, इफ़ एनी, अगर कोई है तो। इफ एनी का मतलब है कि अगर आपने मेंशन किया है आपके बिजनेस में, आपके फर्म में ऐसा कोई सिस्टम है तो इसमें ज़रूर इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या किया जाता है कि लेटर नंबर में आदेश क्रमांक 34 के तहत ये पत्र लिखा गया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑर्डर नंबर 34। उसके बाद में जो अगेन स्पेस पुटअप करें इसमें, जब पत्र लिखेंगे तब भी मैं इसमें समझाऊंगी, अभी हम फॉर्मेट की जो डिटेल्स है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। डेजिग्नेशन नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट। अब किसका एड्रेस लिख रहे हैं हम? यहाँ ऊपर लिखा था हमने सेंडर, सेंडर मीन्स लिखने वाला, रिसिपिएंट जिसको प्राप्त हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंडर मैं स्वयं हूँ तो यहाँ पर मैं मेरा एड्रेस लिखूँगी, और यहाँ रिसिपिएंट में मुझे किसका एड्रेस लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं मंगवा रही हूँ अपनी बुक्स जयपुर से, छोटा रास्ता जयपुर से मैं अपनी बुक्स मंगवा रही हूँ, तो यहाँ पे जो रिसिपिएंट है उसका क्या एड्रेस आएगा? सबसे पहले उसे हमें डेजिग्नेशन शो करना होगा, द मैनेजर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मैनेजर छोटा रास्ता जयपुर लिखेंगे, और वह उससे क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि ये लेटर का रिसीवर कौन है, रिसिपिएंट कौन है। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, यह पत्र किसके लिए लिखा गया है। मे बी इट इज अ बिजनेस लेटर बट देयर इज एनी टॉपिक फॉर दैट वन, ना टॉपिक तो होता ही होता है आपको पता है, तो उस टॉपिक से भी रिलेटेड शॉर्टेस्ट पॉइंट्स को हम इस सब्जेक्ट में इंक्लूड करते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही सब्जेक्ट देखा जाएगा जो रिसिपिएंट है, पत्र प्राप्त करने वाला है, वो समझ जाएगा कि मुझे यह पत्र क्यों लिखा गया है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में देखिए बच्चों, सर या मैडम, और डियर सर या डियर मैडम भी लिख सकते हैं। तो मैं ये भी बताऊंगी जब सर या मैडम लिखते हैं तो इसकी एंडिंग हमें कैसे करनी है, और डियर सर या डियर मैडम लिखते हैं तो इसकी एंडिंग हमें कैसे करनी है। तो यहाँ पे सैल्यूटेशन में सर या मैम या फिर डियर सर या डियर मैम, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगी बच्चों कि यहाँ पर जब अपन एड्रेस लिख रहे हैं ये पूरा यहाँ एक ही लाइन में आना चाहिए,
ये नहीं है कि आपने यहाँ पहले अपना कुछ एड्रेस लिख दिया, फिर इस लाइन से शुरू कर दिया और फिर यहाँ से कर दिया। नहीं, हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है, एक ही बराबर अक्षर चलने चाहिए। इसी तरह से रिसिपिएंट में भी इस चीज़ को हमें इंक्लूड करना है। सैल्यूटेशन में हम अभी बात कर ही रहे थे डियर सर, डियर मैम या सर या मैम। अब हमें लिखना है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन या मैटर, या हम कहते हैं बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर। बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर में हम क्या करेंगे, जो इसका इन बिटवीन का पार्ट है, बीच का पार्ट है, बीच का पार्ट कब बोले तो कि सारा बात का सारांश हमें इसी में लिखना है कि मेरे को ये बुक्स चाहिए, इस क्लास की चाहिए, इतने सब्जेक्ट की चाहिए और नंबर ऑफ सेट्स कितने चाहिए, ये सारा हमें इसमें मेंशन करना है। इन द लास्ट जब हम ये लिख लेते हैं एंडिंग, एंडिंग का एक लाइन अपन लिखते हैं, अगर आपको पता है आप भी लिखते हैं लेटर्स, हम भी लिख रहे हैं लेटर्स एंडिंग में, होप यू विल लुक इनटू द मैटर एज अर्ली एज पॉसिबल। अलग अलग इसमें राइटिंग्स अलग अलग लेटर के ऊपर डिपेंड करती है। एंड लास्ट इन द क्लोजिंग फ्रेज हम थैंकिंग यू जो वर्ड यूज करते हैं उसे यहाँ पे इंक्लूड करना है। अब देखिए क्लोजिंग फ्रेज के बाद में आपको एक चीज़ और क्या लिखनी है, नेम ऑफ द बिजनेस और फर्म, आप किस बिजनेस या फर्म से बिलोंग करते हैं, आपका मतलब कौन, सेंडर जो पत्र लिखने वाला है उसका यहाँ पे एड्रेस नाम इत्यादि आएगा। एड्रेस नहीं, एड्रेस हमारा आगे आ चुका है, यहाँ पे क्या आएगा, नेम ऑफ द बिजनेस फर्म। फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस फर्म का नाम क्या है, अगर आप ट्रेवल एजेंसी है तो उसका क्या है, विजय ट्रेवल्स, तो यहाँ पे नेम ऑफ द बिजनेस फर्म फॉर विजय ट्रेवल्स, फॉर करके लिखा जाता है ताकि आपको पता चले आप कौन से बिजनेस फर्म के लिए काम करते हैं। फिर यहाँ पे सेंडर्स का सिग्नेचर, नेम ऑफ द सेंडर, और इन सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चीज़ और करते हैं, हम यहाँ पे इस जगह पे थैंकिंग यू योवर्स सिंसियरली या योवर्स फेथफुली, दो शब्द आते हैं, एक फेथफुली एक सिंसियरली, ये दो शब्द यूज करते हैं। तो मैंने जब सैल्यूटेशन पार्ट लिया था, स्टार्टिंग पार्ट लिया था अपना यहाँ पे कि आप सैल्यूट कर रहे हो, डियर सर डियर मैडम कर रहे हो, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप लिखते हो सिर्फ सर या मैम लिखते हो, अगर आप सिर्फ सर या मैम लिखते हो तो आप क्या लिखेंगे नीचे, फेथफुली, क्या लिखेंगे नीचे, फेथफुली। और अगर आप डियर सर या डियर मैडम लिखते हैं, अगर आप डियर सर या डियर मैम लिखते हैं तो आप नीचे लिखेंगे योवर्स सिंसियरली, क्या लिखेंगे आप, योवर्स सिंसियरली। तो ये चीजें बिजनेस लेटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सेंडर्स का सिग्नेचर हो जाएगा और नेम ऑफ द सेंडर भी इसमें लिखा जाएगा। तो यह एक पैटर्न है, एक फॉर्मेट है। नेक्स्ट वीडियो में इसी बिजनेस लेटर को हम कंटिन्यू करेंगे और आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आएंगे जो आप ही के लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा। तब तक इसे पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ और आगे बढ़ते रहिए। बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय में कंपोजिशन ऑफिशियल लेटर भाग एक। बच्चों अपने श्रृंखला चल रही है राइटिंग पोर्शन की, राइटिंग पोर्शन में भी अपनी श्रृंखला चल रही है लेटर्स की। लेटर्स के हम दो पार्ट कर चुके हैं, टुडे वी आर टेकिंग इट्स थर्ड पार्ट। बिजनेस लेटर, टाइप्स ऑफ लेटर कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ लेटर के बाद में हम बिजनेस लेटर्स कर चुके हैं, एंड नाउ टुडे वी आर टेकिंग ऑफिशियल लेटर। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ऑफिशियल लेटर, क्या होता है ऑफिशियल लेटर और किसको लिखा जाता है। देखें सबसे पहले, इट इज़ रिटन टू गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस, ज़्यादातर इसे गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस को ही लिखा जाता है। कई जो प्राइवेट हैं वो भी आजकल रिकॉग्नाइज्ड में आ रही हैं, तो कई टाइम हमें उसको भी लिखना पड़ता है, बट मेनली इट इज़ रिटन टू गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द लैंग्वेज, यहाँ पे हमें अपनी भाषा कैसे रखनी होगी, फॉर्मल लैंग्वेज इज़ यूज्ड हेयर,
औपचारिक भाषा का ही हमें यहाँ पर प्रयोग करना होगा। क्यों करना होगा कि आप इसको ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, सरकारी कार्य के लिए लिख रहे हैं या ऐसे कार्य के लिए लिख रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी अनौपचारिक होने की ज़रूरत नहीं है, औपचारिक रूप से ही हमें इसे पॉइंट आउट करना होगा। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, ओनली एंड ओनली द फैक्चुअल फैक्ट्स विल बी गिवन, जो सही तथ्यात्मक बातें हैं उसे ही हमें इस पत्र में लिखना होगा। नेक्स्ट वन इज द लेटर विल बी रिटर्न टू द पॉइंट, जो पत्र है वो टू द पॉइंट आएगा, किसी भी तरह की फालतू की बातों का इसमें समावेश नहीं होगा। सेंटेंसेस विल बी शॉर्ट एंड क्लियर, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग टू ऑल ऑफ यू, कि हम जब भी रिपोर्ट करें, लेटर करें, कुछ भी करें, हमारे पास में अगर छोटे छोटे सेंटेंस होंगे तो हम उनमें कम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे, और जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, हमारा टेंस क्लियर होगा, सेंटेंस क्लियर होगा, तो हमें मार्क्स भी क्लियर मिलेंगे, है ना। तो वही बात है कि यहाँ पे जो सेंटेंसेज है वो शॉर्ट होने चाहिए और उनमें क्लियरिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, इट मे बी ऑफ एनी क्वेरी, पत्र किसके संबंध में हो सकता है, इट मे बी ऑफ एनी क्वेरी, एनी कंप्लेंट और एनी आस्किंग और गिविंग इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की क्वेरी करने के लिए भी हो सकता है, पूछताछ करने के लिए भी हो सकता है, एनी कंप्लेंट शिकायत करने के लिए भी हम पत्र लिख सकते हैं, इसके अलावा किसी चीज़ को पूछना है तो भी हम इसे इंक्लूड करेंगे। एंड इफ़ वी एनी वन वांट्स एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइड, तो इसमें गिविंग इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होता है। तो ये ऑफिशियल पार्ट जो लेटर है उसके कुछ पार्ट्स हैं। हम अब एक फॉर्मेट ले रहे हैं कि ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए एक्चुअल में फॉर्मेट क्या होना चाहिए। बच्चों फॉर्मेट आप बार बार कंफ्यूज ना हो, फॉर्मेट एक इजी गोइंग वे है ताकि आपको बताया जाए कि आप कोई भी पत्र लिख रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है, उसमें अपने स्टेप्स को फॉलोअप करना है, कोई भी स्टेप्स नहीं छोड़ना है। इससे क्या आपका पत्र पूरा होगा और उसमें भी क्लियरिटी एंड कम्प्लीटनेस का भाव होगा। सो फर्स्ट वन इज़ द सेंडर्स एड्रेस, सेंडर देने वाला, आप ये समझिए कि मैं किसी को पत्र लिख रही हूँ तो यहाँ सेंडर्स एड्रेस में मेरा एड्रेस आएगा। आप किसी को पत्र लिख रहे हैं, आपका कोई एड्रेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल गंगा शहर, है ना, आगे कुछ और आपका इस जगह का नाम आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल बीकानेर, तो आप सेंडर्स एड्रेस में क्या लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ अपना एड्रेस लिखेंगे गंगा शहर एंड बीकानेर, ओके। देन आफ्टर यू विल मेंशन द डेट, डेट ज़रूर मेंशन करनी है ताकि क्लैरिटी हो कि हमने इतनी तारीख को पत्र दिया था, और उसका ये हवाला भी अगर हम नेक्स्ट टाइम देना चाहें तो दे सकते हैं। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, लेटर रेफरेंस नंबर या लेटर सीरियल नंबर, जब हम कोई भी गवर्नमेंट से कोई भी अपना ऑफिशियल लेटर के बारे में बात करते हैं तो हम सीरियल नंबर ज़रूर मेंशन करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे तो बात हो गई सेंडर्स एड्रेस डेट की, और सीरियल नंबर इफ़ एनी मस्ट बी रिटन इन दिस वन। फिर बात होती है फोर्थ नंबर पे रिसीवर्स डिजिग्नेशन, जो रिसीवर है, प्राप्त करने वाला है, हम पत्र लिख रहे हैं, आप पत्र रिसीव करने वाले हो तो आपकी पोस्ट क्या बोल रही है वो यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे आएगा आपका पूरा जो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके बारे में इसमें लिखा जाएगा, एड्रेस ऑफ द रिसीवर आएगा। बार बार कह रहे हैं सबसे पहले हमारा खुद का एड्रेस, उसके बाद डेट और सीरियल नंबर, और उसके बाद में पोस्ट प्लस आपका जो रिसीव करने वाला, रिसीव मतलब प्राप्त करने वाला, उसका एड्रेस इसमें लिखना ज़रूरी होता है। देन आफ्टर एनी सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम, सर मैम, वट एवर मे बी, एंड दिस वन बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर,
यहाँ पे हम अपनी पूरी जो अपनी पत्र के बारे में चीज होती है बॉडी पार्ट में उसको हम मेंशन करते हैं। एंड लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री, आप ये देखिए सब्जेक्ट कहीं नहीं लिखा हमने, सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ सैल्यूटेशन से पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट का मेंशन जरूर करना है ताकि मैं बार बार कह रही हूँ किस लिए पत्र लिखा गया है, ये कंसेप्ट क्लियर एक ही लाइन को देखते हुए ही हो जाता है और पत्र को उसी डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है ताकि कार्य जल्दी से आसानी से कंप्लीट हो सके। इसके बाद में सेंडर्स के सिग्नेचर है, सेंडर का नाम और उसका कोई डिजिग्नेशन एटसेट्रा है तो उसको इसमें मेंशन किया जाता है। तो ये एक ऑफिशियल फॉर्मेट है, ऑफिशियल लेटर किस प्रकार लिखा जाता है उसका फॉर्मेट हमने अभी पढ़ा। और इसको पढ़ने के बाद में हमने क्या सीखा कि वही चीज़ इम्पोर्टेंट स्टेप बाय स्टेप, किसी भी चीज़ को लेंगे स्टेप बाय स्टेप लेंगे तो जब हम पत्र लिखेंगे तो हमारे माइंड में अपने आप क्लिक हो जाएगा कि हमें उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप तो ये डेट लिखना था, और अगर मैं डेट नहीं लिखता हूँ या नहीं लिखती हूँ तो मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, मेरी गलतियाँ हो सकती हैं। वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन दिस ऑफिशियल लेटर। ध्यान से देखिए, हमें ज़्यादातर स्पेलिंग्स क्वेश्चन से मिल जाती है, हम कौन है कई बार मेंशन किया हुआ होता है, नहीं मेंशन किया हुआ तो हम अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं, मेंशन किया हुआ होता है उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि हमें वही नाम लिखना होता है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है। सो वी विल रीड, यू आर रक्षा और राकेश लिविंग इन बीकानेर। आप लड़की हैं तो आप रक्षा हैं और आप लड़के हैं तो आप राकेश हैं। कहाँ रह रहे हैं आप, बीकानेर, लिविंग इन बीकानेर। राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी। आपको किसको पत्र लिखना है, म्यूनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखना है। किस लिए लिखना है पत्र, कंप्लेनिंग हिम अगेंस्ट द इंसेनेटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। आप जहाँ रह रहे हैं उस जगह पर, उस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा इंसेनेटरी कंडीशन है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आपको उसके लिए किसको पत्र लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हुए ही हम क्या देखें, दिस वन इज द सेंडर, यहाँ पे ये सेंडर हो गए, सेंडर का एड्रेस भी दिया है, हमें जगह का नाम दिया है तो हमें लोकेलिटी का नाम अपने आप इसमें मेंशन करना होगा। देन आफ्टर रिसीवर का भी एड्रेस है हमारे पास में, या रिसीवर की पोस्ट है हमारे पास में, डेजिग्नेशन जो हम बोलते हैं रिसीवर। आपके पास में सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये देखिए इनसेनेटरी कंडीशन, तो यहाँ पे हमारे पास में सब्जेक्ट भी आ गया है। जब हमारे पास इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो पत्र लिखने में कोई परेशानी ही नहीं होती है। सो कैसे पत्र लिखें, इनकी हेल्प से, इन्हीं की हेल्प लेनी है। सबसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, योवर है, योवर को क्या कर देंगे हम चेंज, देखते हैं भी आंसर में। छोटी छोटी जो अमेंडमेंट्स है उसको बराबर फॉलो अप करते रहिए बच्चों। योवर को योवर नहीं लिखना है तो क्या लिखना है, सोचिए, आप बता सकते हैं मुझे। जी हाँ, आप छोटी क्लास में नहीं हैं, आप ज़रूर बता सकते हैं और मेरे साथ साथ इसको वापस रिवाइज भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द एड्रेस, हमें बीकानेर का एड्रेस दिया गया है तो बीकानेर में हम अपना मकान संख्या, अपनी अगर कोई गली संख्या है तो उसके बारे में, प्लस अपना जो सिटी है उसका नाम बार बार मेंशन करती हूँ। यहाँ पे किसका एड्रेस होना चाहिए, सेंडर्स का एड्रेस होना चाहिए। आफ्टर दैट डेट मस्ट बी, क्या डेट होनी चाहिए, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वह डेट होनी चाहिए। डेट लिखने का भी दो तीन तरीके हैं, आप इस तरीके को अडॉप्ट करें, आप इस तरीके को नहीं अडॉप्ट करते हैं,
आप डायरेक्ट यू लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादा एनामली करके मत लिखिएगा कि डेट को पढ़ने वाला ही कंफ्यूज हो जाए कि यार ये पत्र लिखने वाला कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पे ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, 12th December 2020, यहाँ पे आप ये छोटा TH भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन छोटी छोटी बट इम्पॉर्टेंट जानकारी स्पेस छोड़े ताकि क्लियर कट हो कि हम क्या लिख चुके हैं और अब हमें नेक्स्ट हमें किसको एड्रेस करना है। अगेन द पोस्ट किसका है प्लस जगह का नाम, तो ये कौन हो गए हमारे रिसीवर, हु इज दिस वन, दिस वन इज द रिसीवर ऑफ द लेटर, पत्र प्राप्त करने वाले हैं। तो द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो भी आपको आपके वहाँ पे जो भी एड्रेस या क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे मेंशन करेंगे, बीकानेर। अगेन यू विल पुट अ स्पेस एंड राइट अ सब्जेक्ट ऑन दिस वन, फॉर इंसेनेटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी। समझ में आ रहा है, हमें जब प्रश्न दिया गया था वहाँ पे क्या लिखा था बच्चों, योवर, उस प्रश्न में क्या लिखा गया था, योवर। तो जब हमें पूछा गया आपके मोहल्ले में, हमें पूछा गया आपके मोहल्ले में सफाई व्यवस्था सही नहीं है, उसके बारे में पत्र लिखना है। तो मेरे मोहल्ले, जब मैंने पत्र को पढ़ा, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, तो मैंने क्या समझा कि मेरे मोहल्ले में सफाई व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए मैं क्या लिखूंगी, फॉर इंसेनेटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी। योवर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, आवर का यूज़ करेंगे। अगेन द बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर, सर सैल्यूटेशन लिखेंगे, सैल्यूटेशन के बाद में जो कम्युनिकेशन या बॉडी पार्ट है उसे मेंशन करना है हमें। आई ब्रिंग टू योवर काइंड नोटिस अबाउट द, देखिए ये एक सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज है जो हमें ऑफिशियल लेटर्स के लिए याद रखनी ही चाहिए। इससे क्या होगा, आपको इतना लाइन आपको याद है, देन आफ्टर आपको कुछ लाइनें क्वेश्चन से पुटअप करनी है और कुछ अपना याद किया हुआ जो मेमोरी है उससे फॉलोअप करना है। आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस अबाउट द इंसेनेटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी, वही लाइन आ गई है जो सब्जेक्ट में हमने लिखी थी। अब इंसेनेटरी कंडीशन में भी क्या क्या कंडीशन ख़राब है, कुछ एक हमें उसके बारे में भी लिखना होगा। द स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली, जो स्वीपर हैं वो बिल्कुल भी रेगुलर इसको वहाँ पे लोकेलिटी में नहीं आ रहे हैं। देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज हेयर एंड देयर, स्वीपर के नहीं आने से क्या हुआ, जो कूड़ा करकट है उसके ढेर के ढेर इधर उधर पड़े हैं, हीप्स ऑफ गार्बेज, कूड़े करकट का ढेर। द ड्रेन्स आर ब्रोकन एट मैनी प्लेसेस, जो नालियाँ हैं वह भी कई जगह से टूट चुकी हैं। डर्टी वाटर इज ऑन द रोड, और नालियाँ टूटने की वजह से क्या हुआ, जो गंदा पानी है वह सड़कों के ऊपर आ गया है। देयर इज बैड स्मेल एवरीवेयर, और इससे क्या हुआ बच्चों कि जो गंदी स्मेल है वो चारों तरफ आ गई है। छोटे छोटे सेंटेंसेस को लेके हमने इस लेटर को बनाया है, तो आप भी इस चीज़ को बार बार फॉलोअप करें कि छोटे छोटे सेंटेंसेस लेके भी आप किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। डिजीजेज में ब्रेकआउट, जब इतनी गंदगी होगी तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या होगा, डिजीजेज, बीमारियाँ पनप जाएंगी। प्लीज़ विजिट आवर लोकेलिटी सम डे एंड आल्सो सी द पोजिशन योर सेल्फ, आप स्वयं किसी दिन हमारे विजिट करें हमारी लोकेलिटी को और आप खुद पोजिशन देखें कि हम जो बात कह रहे हैं वह गलत नहीं है। प्लीज़ लुक इन टू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल, ये भी जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग लाइन्स हैं इनको अगर हम चाहें तो हम याद रख सकते हैं, ये हमें हेल्पफुल होगी किसी भी लेटर को कंप्लीट करने में, कि इस मामले को जल्द से जल्द देखें और जितना नीडफुल कार्य हो सकता है उसे करें। अगेन अब लाइन पुटिंग स्पेस, एक लाइन छोड़ के या थोड़ा स्पेस छोड़ के थैंकिंग यू योवर्स फेथफुली, लेकिन यहाँ पे फिर क्या आ गया क्वेश्चन में, मुकेश लिख रहे थे तो मुकेश ने क्या किया,
मैं रक्षा या राकेश नहीं, मैं तो मुकेश ही लिखूँगा। तो मुकेश तो लिख दोगे लेकिन नंबर है, एग्जामिनर भी क्या कहेगा, नहीं नहीं आधा नंबर तो मैं भी काटने का रखता हूँ ना। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपको वही नाम लिखना है जो कि आपके प्रश्न पत्र में, आपके क्वेश्चन में दिया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि आपको यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है, आपको वही नाम लिखना है जो क्वेश्चन पेपर शो कर रहा है। सिंपल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस से हमने अपने पत्र को पूरा करा, पूरे स्टेप बाय स्टेप इसका जो फॉर्मेट है उसके अनुसार हमने इसको कंप्लीट किया है। समझ में आ रहा है? फटाफट इसे नोट डाउन करेंगे और बार 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 रिविज़न करेंगे, क्योंकि जब हम रिविज़न करते हैं तो हम अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें कोई भी परीक्षा में पूछा जाए तो वी आर रेडी टू राइट एनीथिंग एल्स। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट अगेन विद द लेटर पोर्शन। और कौन सा पत्र आ रहा है उस टाइम, क्या ऑफिशियल ही आ रहा है या कोई नया, बने रहिए मेरे साथ और तब तक इसको कंप्लीट करके बिल्कुल रेडी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 11 में व्यवसाय अध्ययन विषय में व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, और कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय में कंपोजिशन, लेटर और ऑफिशियल लेटर भाग एक। बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में संस्कृत साहित्यम विषय में वेदामृतम, व कक्षा 12 में लेखा शास्त्र विषय में साझेदारी एक परिचय। बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान, तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की कोई शंका है आपको, तो हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का एड्रेस है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।